रेडियो मोती में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मोनिका त्यागी राणा, संपादक संपदा न्यूज, प्रोड्यूसर हिंदी विभाग रेडियो मोती लखनऊ से आज आपको कुछ विशेष कार्यक्रमों के साथ मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ हमेशा की तरह। कार्यक्रम में सर्वप्रथम हम आपको आश्रम बरहट देवरिया में स्थित बाबा राघव दास भगवान दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय के उत्तम व्यवस्था, आलिशान प्रगति तथा बेहतर परिणामों को देने वाले वर्तमान प्राचार्य प्रोफेसर अजय कुमार मिश्र जी का एक साक्षात्कार प्रस्तुत कर रहे हैं। वार्ताकार हैं अंशिन कुमार उपाध्याय। बाबा राघव दास भगवान दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय आश्रम बरहटदेवरिया इस क्षेत्र का पहला ऐसा महाविद्यालय है जिसने शिक्षा की अलग उच्च स्तरीय शिक्षा की अलग जगाई और इसके स्थापना में आश्रम बरहट का विशेष योगदान रहा। हमारे बीच इस संस्था के प्राचार्य प्रोफेसर अजय कुमार मिश्र जी हैं। हम आपको उनके पास कुछ चंद चार पांच प्रश्नों के लिए। पहला प्रश्न, नए सत्र में सर आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? कोविड की वैश्विक चुनौती के बीच अभी तत्काल विश्वविद्यालय परीक्षाओं को सब संपन्न कराना और प्रवेश कार्य को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करना ये सबसे शीर्ष प्राथमिकता है, क्योंकि महाविद्यालय केंद्र पर जो विश्वविद्यालय परीक्षाएं 2020-21 होने वाली हैं उसमें लगभग 2100 छात्र छात्रा परीक्षा में सम्मिलित होंगे, तो कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए विश्वविद्यालय परीक्षा को सब संपन्न कराना और विभिन्न कक्षाओं में समयबद्ध तरीके से प्रवेश कार्य को पूर्ण कराना अभी तात्कालिक शीर्ष प्राथमिकता है। एक प्रश्न और सर, ये कार्यभार ग्रहण करने के बाद या करते समय क्या स्थिति ग्रहण करने के बाद आज की आपकी प्रमुख उपलब्धियां क्या करेंगे? आज तक प्रबंध समिति के सम्मानित पदाधिकारियों और सदस्यों के विश्वास के बल पर मैंने 3 मई 2019 को कार्यभार ग्रहण किया था। उसके बाद महाविद्यालय में पठन पाठन के माहौल को और उच्च स्तर पर ले जाना, विद्यार्थियों की जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करने की दिशा में ठोस पहल करना, ये कार्य शुरू किया गया। प्राचार्य कक्ष सहित सभी विभागों का सुंदरीकरण कराया गया। ऊपर के जो दो बारामदे हैं लगभग 100-100 मीटर लंबे वो टूट चुके थे, उनका सुंदरीकरण कराया गया। छात्र छात्राओं के लिए महाविद्यालय में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। सभी कमरों में चार चार पंखे की व्यवस्था की गई और प्रयास यह रहा कि यदि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक विद्युत आपूर्ति न हो तो जनरेटर के माध्यम से कमरे के पंखों को संचालित किया जाए ताकि बच्चों को पढ़ने में कोई असुविधा न हो। दो नए कमरों का निर्माण करके उसे पूरी तरह सुसज्जित करके बी काम प्रथम वर्ष और बी काम द्वितीय वर्ष की कक्षाएं उसमें संचालित की गई। महाविद्यालय में छोटे सेमिनार या मीटिंग के लिए कोई कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं था, वो व्यक्तिगत सहयोग से एक कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण कराया गया है। कोशिश यह है कि उसे इसी सत्र में सुसज्जित करके पूरी तरह से किसी सेमिनार के लिए या मीटिंग के लिए सुरक्षित कर दिया जाएगा। फिर महाविद्यालय परिसर में एक पार्क का निर्माण करा के उसके बीच में सरस्वती प्रतिमा की स्थापना की गई। अभी भी बहुत से कार्य बाकी हैं जिनके विषय में इस सत्र में, क्योंकि 15 महीने से हम लोग
कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं और पूरा सब कुछ अस्त व्यस्त है, लेकिन इस बीच में भी प्रयास यही है कि जो कुछ शेष रह गया है, जैसे मोहन सिंह सभागार का निर्माण, पुस्तकालय में और सुसज्जित व्यवस्था देना, पूरे विद्यालय परिसर या विद्यालय की बिल्डिंगों की रंगाई पुताई का कार्य करना है, और कोशिश ये रहेगी कि इस सत्र में सोलर लाइट की व्यवस्था करके कम से कम विभागों में सोलर लाइट से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की। तहसील क्षेत्र के एकमात्र विद्यालय के रूप में विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित महाविद्यालय में शुमार इस महाविद्यालय में व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत करने के विषय में आपकी कही। देखें, जनपद मुख्यालय के दक्षिणी छोर पर अत्यंत प्राचीन नगर के रूप में बरहज ख्यातिलब्ध है, और यहाँ पर 1970 के दशक में जिन महापुरुषों ने उच्च शिक्षा केंद्र की स्थापना का स्वप्न देखा था, उन महापुरुषों के स्वप्न को मूर्त रूप देते हुए और आगे बढ़ाने की दिशा में योजना यह है कि यहाँ पर एलएलबी की कक्षाएं संचालित हों, बीएड की कक्षाएं संचालित हों और परा स्नातक स्तर पर हिंदी के साथ ही कुछ अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। 2019 में ही इस विद्यालय स्तर से बीएड पाठ्यक्रम की मान्यता के लिए एनओसी दे दी गई थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से समय से आवेदन नहीं कर सके। उसके बाद बीएड पाठ्यक्रमों के नवीन मान्यता के संदर्भ में आवेदन देने की प्रक्रिया प्रदेश सरकार द्वारा रोक दी गई है। जैसे ही प्रदेश सरकार द्वारा उसे ओपन किया जाएगा, सारे कागज पूर्ण कर दिए गए हैं, बीएड की मान्यता देने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ला की मान्यता के लिए भी दो चरणों में मान्यता लेनी है, पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया से उसकी एनओसी लेनी है, फिर विश्वविद्यालय स्तर से उसकी मान्यता लेनी है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सचिव महोदय से मिल के बात हुई है, जैसे ही स्थिति सामान्य होती है तो ला कक्षाओं के संचालन के लिए भी प्रयास होगा, साथ ही साथ डीएलएड कक्षा के संचालन की दिशा में भी हम लोग पहल करेंगे। संसाधन जैसे ही जुटा उस दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, अंतिम प्रश्न, महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी की चुनौतियों से आप कैसे निपट रहे हैं? महाविद्यालय अपनी स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। इस महाविद्यालय ने एकेडमिक क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इस महाविद्यालय के अनेक छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय और प्रदेश स्तर पर अपना झंडा बुलंद किया है। यहाँ के एक छात्र ने पूरे प्रदेश के कॉमर्स की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया था, और संस्थापक प्राचार्य स्वर्गीय श्री राजनारायण पाठक जी को महामहिम राज्यपाल ने उसके उपलक्ष्य में सम्मानित किया और उस छात्र को भी सम्मानित किया। यह सही है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा नियुक्तियों में बरती जा रही शिथिलता के चलते महाविद्यालय में शिक्षकों के 13 पद रिक्त हैं, संस्कृत में 3, वाणिज्य में 3, प्राचीन इतिहास में 2, शिक्षा शास्त्र में 2, मनोविज्ञान में 1, भूगोल में 1 और राजनीति विज्ञान में शिक्षकों के 1 पद रिक्त हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा इनमें से 8 पदों का विज्ञापन किया गया है, इसके बाद भी अभी 5 पद विज्ञापित होने हैं, उनकी अधियाचना भेजी जा रही है, और कोशिश रहेगा कि इस सत्र में अगर वो 8 नियुक्तियां हो जाती हैं तो पठन पाठन का माहौल और बेहतर करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जो उपलब्ध संसाधन है उसमें ही महाविद्यालय की स्वर्ण जयंती वर्ष में हम लोग बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। इसमें हमारे महाविद्यालय के सभी शिक्षकों का भरपूर योगदान मिल रहा है, उनके बल पर ही इन चुनौतियों का हम सामना करेंगे। उम्मीद करती हूँ अभी जो आपने कार्यक्रम सुना वो आपको पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम को प्रस्तुत करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि आजकल हमारे यहाँ ये परंपरा है कि दरवाजे पर बारात आने के पहले दूल्हे के स्वागत में पारंपरिक गीतों को गाया जाता है।
इन गीतों में दूल्हे के सुंदर स्वरूप को कई प्रकार से वर्णित किया जाता है। थोड़ा हंसी, थोड़ा मजाक, थोड़ा छेड़खानी। ऐसा कहा जाता है कि दूल्हा विष्णु का रूप होता है, फिर भी उसके स्वागत में औरतें बहुत कुछ कह जाती हैं। आज पारंपरिक गीतों में डॉक्टर रागनी राय, जो डिग्री कॉलेज में हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं, उनकी आवाज़ में एक विवाह गीत पेश करने जा रहे हैं। गीत के बोल इस तरह से हैं, अखियां तोर निरखू रे दूल्हा कजरो ना अरे, मुवा तो निरखू रे दूल्हा पनवो ना रे। इस गीत को सुनवाने से पहले हम ये भी बताना चाहेंगे कि ये गीत अब लोग भूलते जा रहे हैं और समाज नई विधाओं के गीतों को अपनाता जा रहा है, जिनका कि कोई कोई मतलब नहीं होता है, कहीं कोई ऐसा लिंक नहीं होता है जो हमारी कहीं हमारी सभ्यता और संस्कृति को प्रस्तुत करते हैं। ये जो गीत हैं, ये जो हमारी अपनी असली परिभाषाएँ हैं, ये स्वरूप प्रस्तुत करती हैं हमारी भारत की सभ्यता और संस्कृति को। चाहे कितना भी नयापन समाज में क्यों ना आ जाए, परंतु पुरानी सभ्यता, रीति रिवाज, ये अपना जो जगह है, जो अपना स्थान है, वो हमेशा बनाए रखेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक बच्चा कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो जाता है और वो कितना भी महान बन जाता है, कितना भी वो अमीर हो जाता है, कितना भी वो मॉडर्न क्यों नहीं बन जाता है, लेकिन जब उसे दर्द और तकलीफ होती है तो उसके मुंह से माँ ही निकलता है, वो कहीं ना कहीं अपनी माँ को ही याद करता है। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि जब उसे कहीं बहुत ज़्यादा कोई खुशी हासिल होती है और उसकी माँ उसके करीब नहीं होती है, तो भी वो उसी को याद करता है। वो यही सोचता रहता है कि अगर मेरी माँ होती तो मेरे साथ होती तो वो मेरी कामयाबी को, मेरी खुशी को देख करके वो कितना खुश होती। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि नयापन कितना भी हो जाए, लेकिन पुरानी जो चीज़ें हैं, पुराना जो जो भी है संस्कृति, सभ्यता, गीत, भाषाएं, वो अपना स्थान, उनका स्थान कभी कोई ले ही नहीं सकता। अखिया तोरी नीरखू रे दुल्हा कजरो नारे, मुहवा तोरी नीरखू रे दुल्हा पनाओ ना देखी रे दुल्हा पनाओ नारे। माई दूसरा भमर जब घूमेली सुहवा तोहार, आंगूठ धरेला दूल्हे बाबू सुहवा तोहार, लावाही परिछे तुहार भैया बहिनी तोहार।
बाबा ही बाबा पुकारे ले बाबा ना बोले लहो भैया ही भैया पुकारे ले भैया ना बोले लहो बाबा ही यस भैया ही धन में लो भैला त दूरी दे से बियहेला हो बेटी चले ली ससुराल सुन भैलया गना दुआर बेटी चले ली ससुराल सुन भैलया गना दुआर अम्मा भी लखीरों में पापा भी लखीरों में रोवे लगऊँ जहान सुन भैलया गना दुआर बेटी चले ली ससुराल सुन भैलया गना दुआ। आप सभी को ये गीत पसंद आया होगा राधनी रॉय जी की आवाज में। मैं नेक्स्ट कार्यक्रम प्रस्तुत करने से पहले मैं किसी की लिखी हुई लाइन आपको सुनाना चाहूंगी। दिल तो क्या चीज है, हम रूम उतरे होते तुमने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। खोई खोई हो तो कुछ और हंसी लगती हो, जाने किस सोच में डूबी है तुम्हारी आंखें। होठों पर तेरा नाम है, आंखों में प्यार है, जिंदा हो इसलिए कि तेरा इंतजार है। ये तो मैंने आपको अभी किसी और की लाइन से सुनाई है आज, लेकिन मैं फिर से आप सबके समक्ष अपनी लिखे कुछ शेर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं शायरी के बारे में कुछ कहना चाहूँगी कि शायरी एक ऐसी ज़ुबान है जिसमें आप अपने अनुभव, अपनी खुशी, अपने दर्द, इवन प्रकृति में दिखने वाली हर चीज़ को शब्दों में पिरोकर दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। तो मैं अब आपको मेरी कविता के बोल कुछ इस तरीके से आप सुनना चाहें। मैं अपना पहला शेर प्रस्तुत कर रही हूँ। वो देखता है मेरी तरफ, वो देखता है मेरी तरफ कुछ दिखाने के लिए, और हमने नज़र चुराई उससे अश्क छुपाने के लिए। वो देखता है मेरी तरफ कुछ दिखाने के लिए, हमने नज़र चुराई अश्क छुपाने के लिए। वो चाहता है जलाना, वो चाहता है जलाना अपनी मुस्कुराहट से, और हम मुस्कुराते हैं गम छुपाने के लिए। तेरे आने से पहले सब सही था, तेरे आने से पहले सब सही था, कुछ रहेगा नहीं तेरे जाने के बाद। तेरे आने से पहले सब सही था, कुछ रहेगा नहीं तेरे जाने के बाद। उम्मीद मिलने की कब की छोड़ दी, उम्मीद मिलने की कब की छोड़ दी, पर इंतजार आज भी है तेरे जाने के बाद। नज़दीकियाँ तेरी इतनी हसीन थी, नज़दीकियाँ तेरी इतनी हसीन थी, दूरियाँ तो जानलेवा होंगी ही, अब तो बस दोनों के बीच का सफ़र तय करना बाकी है। अब तो बस दोनों के बीच का सफ़र तय करना बाकी है। हर रिश्ते को निभाने के लिए दो शख्स का होना ज़रूरी था, हर रिश्ते को निभाने के लिए दो शख्स का होना ज़रूरी था, पर मेरा तो बस एक तरफा इश्क ही काफ़ी है। अगला शेर है। दिल ने हार मान ही ली थी, दिल ने हार मान ही ली थी, ना जाने वो फिर क्यों सामने आ गए।
दिल ने हार मान ही ली थी, न जाने वो फिर क्यों सामने आ गए। जब सोचा छोड़ जाऊं सब कुछ, जब भी सोचा छोड़ जाऊं सब कुछ, ना जाने कहां से उनके खत हाथ आ गए। हमेशा जिंदगी को हमसे शिकायत ही रही, हमेशा जिंदगी को हमसे शिकायत ही रही, इंतजार करते रहे शायद मौत ही रास आ जाए। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। अगले कार्यक्रम का हिंदी के मशहूर कवि श्री मोती बियाजी, जिनके नाम पर ये रेडियो मोती स्थापित है, उनकी कविता प्रस्तुत कर रहे हैं अंजनी कुमार उपाध्याय जी। कविता के बोल कुछ इस तरह से हैं, तुम ना अगर होती तो, तुम ना अगर होती तो क्या था, पात्र हाथ से गिर जाना था, आखिर मधुकण पीते पीते मुझे एक दिन मर जाना था, आखिर कुछ दिन जीते जीते चढ़कर चिता लगा पाता मैं, समझो बस अंतर इतना था, तुम न अगर होती तो क्या था। मुझे सजा दी है दुनिया ने तुमसे सदा अलग रहने की, नहीं किसी से कुछ कहने की, चुप चुप विरह व्यथा सहने की, नहीं समझती मूर्ख जरा भी तुम बिन यह जीवन कितना था, तुम न अगर होती तो क्या था। तेरी अनुकंपा का प्रतिफल जग को भी वरदान मिलेगा, नव उपवन में नई लता के अंचल में नव सुमन खिलेगा, दुनिया प्यार करे तुमको उतना, मैंने चाहा जितना था, तुम न अगर होती तो क्या था। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बिकल उत्साही और गोपाल दास नीरज जी की रचना पेश कर रहे हैं। जब बिकल उत्साही साहब और नीरज जी एक साथ बैठते थे तो उस समय का आनंद कुछ और ही होता था। आइए आज उन दोनों विभूतियों को हम एक साथ सुनते हैं, जनाब बिकल उत्साही साहब और नीरज के लिए मैं पेश कर देता हूँ। आज मैं खाने में ये कार्य सवाबी हो जाए, ये कार्य सवाबी हो जाए, बिन पिए वक्त का अंदाज गुलाबी हो जाए। आज मैखाने में ये कार्य सवाबी हो जाए, बिन पिए वक्त का अंदाज गुलाबी हो जाए। क्या जरूरी है मायो जामो सुबह ऐसा कि तू जिसे देख लो मस्त शराबी हो जाए। अब बेटा जवाब दो। नीरज बोल, एक तू बोल, पहले तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि इस खस्ता हाल में मुझे आप लोगों ने बुलाया। भाई मनोवर राणा का ये प्रेम था जो मैं यहाँ पर आपके बीच में हूँ। एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि दुनिया भटका हूँ कि इतना बड़ा हॉल मैंने कहीं नहीं देखा। सच बात है, अभी उन्होंने मुझसे कुछ शराबी की बात कही, फोटो वाले चुप जाओ जरा। बादलों से सलाम लेता हूँ, बादलों से सलाम लेता हूँ, वक्त के हाथ थाम लेता हूँ, बादलों से सलाम लेता हूँ, वक्त के हाथ थाम लेता हूँ, मौत मर जाती है पल भर के लिए ही, जब मैं हाथों में जाम लेता हूँ। नीरज भाई इधर आए, जवाबी जवाबी अपनी मस्ती की शाम मत देना,
दोस्तों को ये काम मत देना, जिसको पीने की कुछ तमीज न हो उसके हाथों में जाम मत देना। हेलो जी हाँ, सुनिए, इतने बदनाम हुए, इतने बदनाम हुए, हम तो इस जमाने में इतने बदनाम हुए, हम तो इस जमाने में इतने बदनाम हुए, इतने बदनाम हुए, हम तो इस जमाने में तुमको लग जाएंगी सदियां हमें भुलाने में, हम तो इस जमाने में तुमको लग जाएंगी सदियां भुलाने में। क्या सुनेगा? न तो पीने का सलीका, न तो पीने का सलीका, न पिलाने का शऊर, न तो पीने का सलीका, न पिलाने का शऊर, न तो पीने का सलीका, न पिलाने का शऊर, ऐसे ही लोग चले आए हैं मैखाने, इतने बदनाम हुए, हम तो इस जमाने में तुमको लग जाएंगी सदियां हमें भुलाने में। ये तो हमारा आपका छोटे भाई बड़े भाई का बात था। आज आपने जिस तरह से ये मुशायरा अरेंज किया है, इंसानियत के नाम है, ये इंसानियत के नाम ये मुशायरा है। और मैं जिंदगी भर चिल्लाता रहा एक शेर आपकी नजर है, काश किसी दिन ये मजहब संसार में आ जाए तो सारी समस्या समाप्त हो जाएंगी। सुनो भाई जी, अब तो मजहब कोई, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान मनाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। आग बहती है यहाँ, आग बहती है यहाँ, गंगा में झेलम मैं भी, आग बहती है यहाँ, गंगा में झेलम मैं भी, आग बहती है यहाँ, गंगा में झेलम मैं भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए
जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। क्या पर्पज है मेरा? मेरा मकसद है, मेरा मकसद है ये महफिल रहे रोशन यूं ही। मेरा मकसद है ये महफिल रहे रोशन यूं ही। मेरा मकसद है ये महफिल रहे रोशन यूं ही। खून चाहे मेरा दीपों में जलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। मेरे दुख दर्द का सुनिए शेर, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा। मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा। मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। लोग पाकिस्तान में दुनिया भर की बातें करते हैं, झंडे गाड़ते हैं, बर्बाद करते हैं, कि नहीं बर्बादी कोई रास्ता नहीं, प्रेम रास्ता है। आखिर हमारे भाई है वो, और क्या है? सुनिए शेर, जिस्म दो हो के भी, जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे। जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे। जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे। मेरा आंसू तेरी पलकों में सजाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। आखिर गीत गुमसुम है, गीत गुमसुम है, गजल चुप है, रुबाई है दुखी। गीत गुमसुम है, गजल चुप है, रुबाई है दुखी। गीत गुमसुम है, गजल चुप है, रुबाई है दुखी। ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया। नीरज जी, जब धुआं धरती से उठेगा गगन जल जाएगा। बाबा, जब धुआं धरती से, जब धुआं धरती से उठेगा गगन जल जाएगा, कारवां इंसानियत का बेकफन जल जाएगा। बाबा, कौन सी भाषा है, किसका धर्म है, मत छेड़िए वरना जिद की आग में सारा वतन जल जाएगा। अब तो एक ऐसा भर मेरा तेरा ईमान हो, अब तो एक ऐसा बरक, अब तो एक
ऐसा फर्क, मेरा तेरा ईमान हो, एक तरफ गीता हो जिसमें एक तरफ कुरान हो। अब तो कैसा फर्क, मेरा तेरा ईमान हो, एक तरफ गीता हो जिसमें एक तरफ कुरान हो। काश ऐसी भी मोहब्बत हो कभी इस देश में, क्या कहने, काश ऐसी भी मोहब्बत हो कभी इस देश में, मेरे घर उपवास हो जब तेरे घर रमजान हो। ऐसी भी मोहब्बत हो कभी इस देश में, मेरे घर उपवास हो जब तेरे घर रमजान हो। अब तो एक ऐसा फर्क, अपना ये हिंदुस्तान, अपना ये हिंदुस्तान होगा तभी हिंदुस्तान, अपना ये हिंदुस्तान होगा तभी हिंदुस्तान, हाथ में हिंदी के उर्दू का कोई दीवान हो। अब तो एक ऐसा वर्ष मेरा तेरा ईमान हो। नीरज जी, पतवार कागजी है तो पन्नी की नाव है। वाह, जो हाल है यार, पतवार कागजी है तो पन्नी की नाव है उस नदी में जिसका हवा में बहाव है। स्टेशनों पे पानी पिलाते तो हैं अछूत, स्टेशनों पे पानी पिलाते तो हैं अछूत, हाँ पनघटों पे थोड़ा बहुत भेदभाव है। स्टेशनों पे पानी पिलाते तो हैं अछूत, हाँ पनघटों पे थोड़ा बहुत भेदभाव है। सुनिए जनाब, मेरा ही हिंदुस्तान है नाम, खेती मेरा वसूल है, फाका स्वभाव है। ये सुनो जी, खेती मेरा वसूल है, फाका। कल रात उनको देखा था उर्दू लिबास में, कल रात उनको देखा था उर्दू लिबास। कोई ये कह रहा था कि अगला चुनाव है। कांपती लौ ये स्याही, ये धुआं ये काजल, कांपती लौ ये स्याही ये धुआं ये काजल, उम्र सब अपनी इन्हें गीत बनाने में कटी। कांपती लौ ये स्याही ये धुआं ये काजल, उम्र सब अपनी इन्हें गीत बनाने में कटी। कौन समझे मेरी आंखों की नमी का मतलब, जिंदगी रेत थी पर जिल्द बढ़ाने में कटी। जिंदगी रेत थी पर जिल्द बढ़ाने में कटी। अब न वो दर्द न वो दिल न वो दीवाने रहे। सुनिए से क्या परिवर्तन हुआ, आजादी से पहले के आदमी हमें, आजादी के बाद क्या देखा हमने, कहाँ गांधी, कहाँ नेहरू, कहाँ इंदिरा गांधी, कहाँ वो बड़े बड़े संत ईमानदार, आज तो हम बिलावट करने से भी नहीं चूकते। अब न वो दर्द न वो दिल न वो दीवाने रहे, अब न वो सास न वो सोस न वो गाने रहे। वाह, अब न वो दर्द न वो दिल न वो दीवाने रहे, अब न वो सास न वो सोस न वो गाने रहे। साकी तू अब भी यहाँ किसके लिए बैठा है, साकी तू अब भी यहाँ किसके लिए बैठा है, अब न वो जाम न वो मैं न वो पैमाने रहे। न सफीर सल्तनत हूँ, न सफीर सल्तनत हूँ, न असीर हुकुम शाही, मेरा गम गमे वतन है, मैं कलम कहूँ सिपाही, मेरा गम गमे वतन है, ये चराग और दामन वो जमाल और चिलमन, ये शबूर मासियत है वो गुरूर बेगुनाही। बस समय नहीं जब भी अधेरों से दोस्ती की है, समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की।
मैंने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। और ये सुबह ये शेर दे रहा हूँ, इंदौर में पढ़ रहा हूँ। इंदौर जितना मुझे प्यार करता है, शायद किसी कवि को इतना नहीं मिला हुआ प्यार। 55 वर्ष लगातार मैं आया हूँ, 55 वर्ष लगातार मैं यहाँ पर आया हूँ। आज तक चाहे ये ब्रिटिश की बात है, आज तक कोई कवि किसी नगर में 55 वर्ष तक लगातार नहीं गया। सबूत है, समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। उसे सुनेगा भाई राज भाई, सबूत है मेरे घर में धुएं की ये धब्बे। क्या बात है, सबूत है, सबूत है मेरे घर में धुएं की ये धब्बे। कभी यहाँ पे उजालो न खुदकुशी की है, सबूत है मेरे घर, सबूत है, सबूत है मेरे घर में धुएं किए धब्बे। कभी यहाँ पे उजालों ने खुदकुशी की है, समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। ये बोल लड़खड़ाया कभी, सुनो न लड़खड़ाया कभी और कभी न बहकाऊ। लड़खड़ाया कभी और कभी न बहका हूं, मुझे पिलाने में फिर तुमने क्यों कभी। लड़खड़ाया कभी और कभी न बहका हूं, मुझे पिलाने में फिर तुमने क्यों कमी की है। समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। कभी भी वक्त ने उनको नहीं मुआफ किया, कभी भी वक्त ने उनको नहीं मुआफ किया, जिन्होंने दुखियों के अश्कों से दिल लगी की है। कभी भी वक्त ने उनको नहीं मुआफ किया, जिन्होंने दुखियों के अश्कों से दिल लगी की है। ये मंदिर बस बस पर झगड़ने वाले सुन लो, किसी की जख्म को मरहम दिया है अगर तूने, किसी के जख्म को मरहम दिया है अगर तूने, समझ ले तूने खुदा की ही बंदगी की है। समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। अब आप सबसे विदा लेने का टाइम आ गया है। इस कार्यक्रम के लिए हम आज अपने संगीतकार शिवेंद्र उपाध्याय उर्फ दीपू और फेज एंड जेस टेक्निकल टीम को धन्यवाद देते हैं। आज के इस कार्यक्रम के लिए मोनिका त्यागी राणा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।